हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर सुपर। आई एम योर हैंड राइटिंग टीचर नीलम फ्रॉम द विजडम स्कूल सिरसा। वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स राइटिंग। स्टूडेंट, यू नो हिंदी में हम चार अक्षर का जोड़ कर रहे हैं, एंड आई होप अब आप सबको चार अक्षर, दो तीन और चार अक्षर के जोड़ की रीडिंग बहुत अच्छे से आ गई होगी। ज्योत्सना मैडम जो है वो भी आपको बुक रीडिंग करवा रहे हैं, और यहाँ हम रिटर्न में भी जो है दो तीन और चार अक्षर के जोड़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से रीडिंग आ जानी चाहिए, है ना। ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी विल डू वन वर्कशीट। आज हम चार अक्षर के जोड़ की एक वर्कशीट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद मी। स्टूडेंट, यू नो हिंदी में हम क्या कर रहे हैं, चार अक्षर का जोड़, एंड आई होप अब आप सबको चार अक्षर का जोड़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको रीड करना भी आ गया होगा। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डू वन वर्कशीट। आज हम वन वर्कशीट करेंगे चार अक्षर के जोड़ की ही। आपको यहाँ देखिए टू सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, और इन टू सर्कल्स में हमने चार अक्षर के दो दो शब्द राइट किए हैं। अब आपने रीड करना है कि वो दो शब्द कौन से हैं, और उन्हें आपने यहाँ राइट करना है। अब हम आप इस वे में स्लैंट मतलब कि स्टैंडिंग लाइन वे में भी आप रीड करोगे, और स्लीपिंग लाइन वे में भी रीड करोगे, और आप पहचानोगे कि वो कौन सा शब्द बन रहा है, और उस शब्द को आपने यहाँ सामने दी गई लाइन में राइट करना है। अब हम स्टैंडिंग लाइन से रीड करेंगे। ऊ प व न, उपवन। तो क्या शब्द बन गया हमारे पास चार अक्षर का, उपवन। तो क्या राइट करेंगे, ऊ प व न, उपवन। अब हम स्लीपिंग वे में रीड करेंगे। क र व ट, करवट। क र व ट, करवट। इसी तरह नेक्स्ट सर्कल में भी हम पहले स्टैंडिंग लाइन वे में जो राइट किए हैं उन्हें रीड करेंगे। क स र त, कसरत। क स र त, कसरत। अब स्लीपिंग वे में रीड करेंगे। ह स र त, हसरत। ह स र त, हसरत। ओके, इस तरह आपको भी इस वर्कशीट को करना है चार अक्षर के जोड़ की। नाउ वी विल डू अवर नेक्स्ट वर्क। स्टूडेंट, इंग्लिश में हमने जैसे सिलेबस की रिवीजन स्टार्ट की हुई है, तो हमने कैपिटल कर्सिव, स्मॉल कर्सिव, फिलिंग द ब्लैंक्स किए हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डू वर्कशीट सर्कल द मैचिंग लोअर केस लेटर इन ईच रो। यानी कि हमने यहाँ कुछ कैपिटल कर्सिव के लेटर राइट किए हैं, और यहाँ स्मॉल कर्सिव के। तो फर्स्ट लेटर जो कैपिटल कर्सिव का है, हमें वो रीड करना है, और सामने दिए गए स्मॉल कर्सिव लेटर में से सेम लेटर के ऊपर सर्कल करना है। अब मान लीजिए ये दिस इज़ लेटर ए, तो हमें इस स्मॉल कर्सिव में देखना है कि लेटर ए कहाँ राइट किया है, और उसे हमें सर्कल करना है। अब लेटर ए है, तो इसमें हम देखेंगे कि लेटर ए कौन सा है, और उसे हम सर्कल करेंगे लाइक दिस। सेकेंड लेटर है बी, इसी तरह हम सेकंड लाइन में स्मॉल कर्सिव में भी देखेंगे कि कौन सा है, और उसे हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट लेटर सी, ऐसे ही हम स्मॉल कर्सिव में सी लेटर को देखेंगे और उसे सर्कल करेंगे। डी, अब इस लाइन में हम डी देखेंगे कि कहाँ राइट किया हुआ है, और उस पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है ई, इसी तरह अब हम ई लेटर पे सर्कल करेंगे। एफ,
अब इन लेटर में से हम देखेंगे कि एफ कौन सा है और उसे हम सर्कल करेंगे। जी, इसी तरह हमें लेटर जी को सर्कल करना है। ओके, इस तरह से आपको स्मॉल कर्सिव और कैपिटल कर्सिव के लेटर्स के आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगी। करोगे ना आप इस वर्कशीट को? ओके, गुड, बाय बाय स्टूडेंट। यू नो मैथ में अब तक हम क्या कर रहे थे, 1 से लेके 150 तक हमने काउंटिंग की है, डोजिंग काउंटिंग की है, मिसिंग नंबर किए हैं ना हमने। एंड आई होप अब आप सबको 1 to 150 काउंटिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है ना। ओके गुड, नाउ इन दिस वीडियो वी विल डू 1 वर्कशीट। आज हम कुछ अलग करेंगे, आज हम 1 वर्कशीट करेंगे। इस वर्कशीट में क्या है, सर्कल द नंबर 133 विद रेड क्रियोन। हमें इस बॉक्स में दिए गए नंबर्स में से 133 नंबर को सर्कल करना है विद रेड कलर। रेड कलर से 133 नंबर को हमें सर्कल करना है। आपको आइडेंटिफिकेशन तो है ही, अब हमने बहुत बार इसकी रिवीजन भी की है। तो अब आप इस लाइन में, फर्स्ट लाइन में देखिए कि 133 कहाँ है और उसे आप रेड कलर से सर्कल करिए। आपको ये देखिए 133, इसे हम रेड कलर से क्या करेंगे, सर्कल। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते जाएंगे और जहाँ भी 133 नंबर राइट किया है उसे हमें रेड कलर से सर्कल करना है। अब ये भी 133 है तो इसे भी हमें रेड कलर से सर्कल करना है। अब नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे कि 133 कहाँ है और रेड कलर से हमें उसे सर्कल करना है, लाइक दिस। अब नेक्स्ट लाइन में आप देखिए 133 कहाँ है और उसे सर्कल करिए। इसी तरह अब नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे 133 कहाँ राइट किया हुआ है और उसे हमें रेड कलर से सर्कल करना है। मतलब कि इस बॉक्स पे जितनी बार भी 133 किया हुआ है उसे हमें 133 को आइडेंटिफाई करना है और उसे रेड कलर से सर्कल करना है। डू यू अंडरस्टैंड? ओके गुड, इसी तरह आपने भी 1 वर्कशीट करनी है। आप इस नंबर के अलावा, अब इस नंबर की वर्कशीट हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, और इजी है बिल्कुल। तो आप कोई और नंबर लेके भी इस वर्कशीट को कर सकते हो, बट आपने सैटरडे को इस वर्क को करना ज़रूर है। इस वर्कशीट को आप किसी और नंबर को लेकर उसे सर्कल कीजिए, किसी भी कलर से। ओके, नाउ वी विल डू आवर नेक्स्ट वर्क।